तो स्वागत आप सभी के एक नए वीडियो के अंदर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इमेजेस के बारे में। हम लोग लिंक्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग अपनी वेबसाइट के अंदर इमेजेस को डिस्प्ले कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंटेशन पे जाते हैं एंड इमेजेस वाली जो भी डॉक्यूमेंटेशन हमारे पास है उसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे इमेजेस वाली जो डॉक्यूमेंटेशन, मैंने इसको ओपन कर लिया। इसके अंदर हमें एक बेसिक सा सिंटैक्स यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर आप लोगों को इमेज को यूज़ करना है तो आप लोगों को इस सिंटैक्स का यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं इस सेम चीज़ को यहाँ पे कॉपी करके इसको पेस्ट कर दूँ तो यहाँ पे देखते हैं क्या आता है हमारी वेबसाइट के अंदर। इसको सेव करके इसको देखते हैं कि क्या आता है हमारी वेबसाइट के अंदर। यार ये तो क्या आ रहा है, हम लोगों को तो एक इमेज देखनी थी, यार ये तो कुछ भी नहीं आ रहा है। यहाँ पे मेरे को तो एक इमेज देखनी थी लेकिन यहाँ पे तो ये इटालियन ट्रोली लिखा हुआ आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोगों ने ओल्ड टेक्स्ट के अंदर इटालियन ट्रोली को पास किया हुआ है एंड हमारा जो सोर्स है वो हमारे पास है ही नहीं। क्योंकि हम लोगों के पास ये इमेज हमारे पास कंप्यूटर के अंदर है नहीं है, तभी हम लोगों के पास जो भी ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट है वो यहाँ पे डिस्प्ले होके आ रहा है। तो इन केस अगर आप लोगों को जो भी यूआरएल है, अगर आप लोगों ने कोई भी एक इमेज टैग को क्रिएट किया उसके अंदर आप लोगों को जो भी यूआरएल है वो इनकरेक्ट है या फिर वो इमेज रेंडर नहीं हो पा रही है, उस केस में जो भी आप लोगों को ओल्ड टैग के अंदर होगा, जो भी आप लोगों ने ओल्ड टैग के अंदर टेक्स्ट डाला होगा वो चीज़ वहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगी। एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है एसईओ पर्सपेक्टिव से भी। आप लोग इस चीज़ के थ्रू डिफाइन कर सकते हो कि मेरी इमेज किस चीज़ के बारे में है। अगर आप लोगों ने इटली को दिखाया है इस इमेज के अंदर तो आप लोग यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि मैंने इटली को दिखाया है। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो कि दिस इज अ पिक्चर ऑफ इटली। तो अगर किसी बंदे के कंप्यूटर में ये वाली इमेज रेंडर नहीं हुई तो उसको टेक्स्ट देख के समझ में आ जाएगा कि यार अच्छा ये तो एक इटली की इमेज थी, ये इटालियन ट्रली की इमेज थी, जिसके थ्रू जो भी आप लोगों का यूजर एक्सपीरियंस था वो कुछ हद तक बच जाएगा। अगर आप लोग सिर्फ इस चीज़ को दिखा रहे होते ना तो यूजर का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा खराब हो सकता था, लेकिन आप लोगों ने एक टेक्स्ट को दिखा दिया जिसके थ्रू यूजर को समझ में आ रहा है कि अच्छा इमेज रेंडर नहीं हो पा रही है लेकिन ये एक इटली की इमेज है। तो अगर आप लोगों को इमेजेस को डिफाइन करना है, आप लोगों को ओल्ड टेक्स्ट के अंदर डिफाइन करना पड़ेगा, आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये इमेज किस चीज़ के बारे में है, क्योंकि ये चीज़ आप लोगों की एसईओ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। अच्छा भाई, तो हमें समझ में आ गया कि ओल्ड एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, लेकिन हमारी इमेज तो अभी भी डिस्प्ले नहीं हो रही। इन लोगों ने तो कहा था कि अगर आप लोगों को इमेज को यूज़ करना है तो आप लोग इस चीज़ का यूज़ करो एंड इमेज दिख जाएगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं हो हमारे पास। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के पास इमेज तो है नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग गूगल पे जाएंगे, कोई भी एक रैंडम इमेज हम लोग यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। हम लोग क्या करेंगे, टोनी स्टार्क इमेज को डाउनलोड कर लेंगे। इससे क्या करेंगे, हम लोग इमेजेस में जाएंगे, यहाँ पे मोर के, यहाँ पे टूल्स के अंदर जाऊँगा, यूजेज राइट के अंदर क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस पे मैं क्लिक कर दूंगा, जिसके थ्रू जो भी मेरे पास कमर्शियली अवेलेबल इमेजेस हैं उनका मैं यूज़ कर पाऊँगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इस वाले इमेज को हम लोग उठा लेते हैं, सेव इमेज पे क्लिक करेंगे, डाउनलोड पे क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा, हमारी जो भी इमेज है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। इसको इंपोर्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इस वाले ड्रॉअर नेविगेटर को ओपन कर लूँगा, जिसके थ्रू जो भी हमारी फाइल्स हैं वो यहाँ पे सारी दिख जाएंगी। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो भी मेरे पास डाउनलोड हुई है चीज़ उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर दूंगा। डाउनलोड मैंने जैसे ही यहाँ पे किया तो index.html के साथ में हमारे पास इमेज भी यहाँ पे आ गई है। अब इस इमेज का मैं यहाँ पे इमेज टैग के अंदर यूज़ कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अगर मेरे को इस इमेज का यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे download.jpeg लिख दूंगा, जिसके थ्रू जो भी मेरी जो भी मैंने इमेज को डाउनलोड किया है वो चीज़ यहाँ पे शो हो जाएगी। तो अगर मैं इस चीज़ को सेव करता हूँ एंड आप लोगों को दिखाऊं तो यहाँ पे जो भी मेरे पास इमेज थी वो चीज़ यहाँ पे शो हो रही है। अभी तो हम लोगों ने इस इमेज को डाउनलोड किया है, लेकिन अगर आप लोग इस इमेज को डाउनलोड नहीं करना चाहते, आप लोग चाहते हो कि मैं डायरेक्टली जो भी इसका लिंक है उसके थ्रू उसको यहाँ पे शो कर दूँ, तो मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली गूगल टैब पर जाऊँगा, राइट क्लिक करूँगा, कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करूँगा एंड उसके बाद जो भी download.jpeg मैंने यहाँ पे डाला है उसकी जगह मैं ये लिंक को पेस्ट कर दूँगा। अब मैंने इस लिंक को डाला है, ये लिंक बहुत ज़्यादा बड़ा लिंक है, ये चीज़ मैं मोस्टली केसेस में आप लोगों को रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। अगर आप लोगों के पास पिंटरेस्ट की वेबसाइट है वहाँ से अगर आप लोग इमेजेस को पिक कर रहे हो तो वो उस केस में आप लोग कर सकते हो, लेकिन इस केस में यहाँ पे आप लोगों को एक base64 डेटा देखने को मिल रहा है जो कि बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट है, लेकिन आप लोगों को शो करने के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कर देता हूँ। अगर मैं इसको सेव करता हूँ एंड आप लोगों को दिखाऊँ तो यहाँ पे ये सेम इमेज यहाँ पे अभी भी आ रही है। अगर मैं किसी और इमेज को यहाँ पे अगर आप लोगों को शो करके दिखाऊँ, यहाँ पे क्या करता हूँ, तो कॉपी इमेज एड्रेस करता हूँ एंड जो भी इसके अंदर था चीज़ मैं क्या करता हूँ, इसको src को डिलीट कर देता हूँ, src दोबारा डिफाइन करके इसके अंदर जो भी हमारे पास लिंक है वो चीज़ मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। एंड अब देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ शो हो रही है यहाँ पे, तो ये चीज़ भी यहाँ पे शो हो रही है, ये वाली जो इमेज हम लोगों ने अभी डाउनलोड की थी वो चीज़ भी यहाँ पे शो हो रही है। तो यहाँ पे हम लोगों को समझ में आ गया कि हम लोगों को इमेजेस को यूज़ कैसे करना है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इस इमेज को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊँ।
मैं क्या करूँगा, इस इमेज के जो भी हमारे पास एट्रीब्यूट्स हैं, हमारे पास कुछ और एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि इस इमेज की विड्थ जो है, जिसका जो भी चौड़ाई है वो थोड़ी सी बढ़ जाए, मैं चाहता हूँ कि इसकी जो चौड़ाई है वो 400 पिक्सल्स के अराउंड हो जाए, इसको 400 पिक्सल्स कर दूंगा, हाइट को मैं कर दूंगा अराउंड 400 पिक्सल्स, तो मैं हाइट को भी 400 पिक्सल्स कर दूंगा एंड विड्थ को भी 400 पिक्सल्स कर दूंगा, जिसके थ्रू जो मेरी इमेज है वो थोड़ी सी बड़ी हो गई है। अब इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो थोड़ा सा बिगड़ गया ऑफ कोर्स, लेकिन जो इसकी हाइट थी विड्थ थी वो सारी बढ़ चुकी है। तो अगर आप लोगों को अपनी इमेज की हाइट विड्थ को बढ़ाना है तो आप लोग इन एट्रीब्यूट्स का यूज़ कर सकते हो, जो कि आप लोगों की विड्थ और हाइट बढ़ाने में मदद करेंगे। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकता हूँ कि ये थोड़ा सा और चौड़ा हो जाए, अगर मैं इसको 500 पिक्सल्स कर दूंगा ना तो ये थोड़ा सा परफेक्ट सा हो जाएगा, तो अगर मैं इसको 500 पिक्सल्स कर देता हूँ तो थोड़ा सा और परफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है। अब ये तो था कि अगर हम लोगों को इमेजेस को यूज़ करना है। अब सपोज करो मैंने ये download.jpeg है, ये सेम फोल्डर के अंदर है, अभी हम लोगों ने वेब डेवलपमेंट बूटकैंप नाम का एक फोल्डर क्रिएट किया हुआ है, उसके अंदर हमारी index.html नाम की फाइल है। अगर मैं आप लोगों को डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी जाके दिखाऊं, जैसे कि मैंने यहाँ पे कहाँ पे स्टोर किया हुआ है, वेब डेवलपमेंट बूटकैंप, इसके अंदर ही हमारे पास दोनों फाइल्स हैं, index.html भी यहाँ पे है एंड download.jpeg भी यहाँ पे है। लेकिन अब मैं क्या करता हूँ, एक नया फोल्डर यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। नए फोल्डर के अंदर मैं जाके मैं क्या करता हूँ, इस फोल्डर को नाम कर देता हूँ छपरी, ठीक है। छपरी के अंदर मैंने अपने को download.jpg डाल दिया, इसके थ्रू क्या हुआ, अब मैंने इसके अंदर डाल दिया, अब जो इमेज है वो यहाँ पे शो नहीं होगी। अभी तो मैंने इसको src इसके थ्रू दिया हुआ है, मैं क्या करता हूँ इसको src.download.jpg ही दे देता हूँ, जो कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में दिया था। वो चीज़ वर्क करनी चाहिए राइट, पर वो चीज़ काम नहीं करेगी। अभी इसने ऑल टेक्स्ट को यहाँ पे दिखाना शुरू कर दिया, ये चीज़ काम नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है, क्योंकि जो हम लोगों ने इमेज को यूज़ किया था वो पहले सेम फोल्डर के अंदर थी, तब हम लोग इस चीज़ का यूज़ कर सकते थे एंड उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते थे। लेकिन अभी अगर हम लोगों को उस इमेज को यूज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, इस छपरी फोल्डर के अंदर जाऊँगा, तब उस download.jpeg इमेज को निकालूंगा। तो अगर मेरे को इस इमेज को कोड के अंदर यूज़ करना है तो मेरे को सबसे पहले इस छपरी फोल्डर को डिफाइन करना पड़ेगा, छपरी/download.jpeg। तो यहाँ पे अब मैं इसको लोकेशन डिफाइन कर रहा हूँ कि अच्छा छपरी फोल्डर के अंदर जाके उसके बाद download.jpg को आप लोगों को यूज़ करना है, ये चीज़ मैं इसको इसके थ्रू बता पा रहा हूँ। अगर मैं इसको अब सेव करके शो करता हूँ आप लोगों को, तो अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये इमेज यहाँ पे शो हो रही है। तो आप लोग ऐसे प्ले अराउंड कर सकते हो, आप लोग इमेजेस का यूज़ करके अलग अलग एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हो, अलग अलग फोल्डर्स बना के टेस्ट कर सकते हो। इस छपरी फोल्डर के अंदर एक और छपरी फोल्डर बना लो, जिसके थ्रू आप लोग टेस्ट कर पाओगे। जैसे कि अगर मैं इस छपरी फोल्डर के अंदर एक और नया फोल्डर बना लेता हूँ, अगर मैं इसको एक और नया फोल्डर बना लेता हूँ छपरी 2 करके, भाई छपरी 2 को भी मैं छपरी के अंदर डाल देता हूँ एंड इस छपरी 2 के अंदर मैं इस download.jpg को डाल देता हूँ। तो अभी क्या हुआ, छपरी एक फोल्डर है, बस छपरी के अंदर एक छपरी 2 नाम का फोल्डर है एंड जो छपरी 2 नाम के फोल्डर के अंदर download.jpg नाम की इमेज है। तो आप लोगों को अगर फोल्डर स्ट्रक्चर समझ में आ जाता है तब आप लोगों की गेम चेंज हो जाती है। अभी ये चीज़ वर्क नहीं करेगी क्योंकि अभी छपरी फोल्डर के अंदर डाउनलोड वाली इमेज नहीं है, अभी छपरी 2 के अंदर डाउनलोड वाली इमेज है जो कि छपरी के अंदर मौजूद है। तो छपरी/छपरी2/download.jpg, जिसके थ्रू हमारी जो इमेज है वो अब एक्सेसिबल होगी। अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो वो इमेज यहाँ पे शो हो रही है। तो अगर आप लोगों को इमेज का यूज़ करना आ गया है तो इस वाली वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, जिसके थ्रू मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पाती है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।